बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सानहा 9 मई से मुतालिक केसेस में बानी पीटीआई साबक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत मंजूर हो गई है। रावलपिंडी में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ साहब ने सानहा 9 मई के केसेस में ज़मानत से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत की। बानी पीटीआई साबक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की GHQ और आर्मी म्यूज़ियम हमला समेत 12 मुकदमात में ज़मानत जो है मंजूर हो गई है। अदालत ने कहा है कि सानहा 9 मई के मुकदमात के तमाम मुलजमान जमानतों पर हैं, इसलिए बानी पीटीआई को गिरफ्तार रखने का कोई जवाब नहीं बनता। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की भी 12 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है और शाह महमूद कुरैशी साहब की रहाई का इम्कान नहीं, क्योंकि दोनों रहनुमा जो है वो साइफर केस में सजा याफ्ता हैं। जिस तरह से आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ क्या क्या सलूक किया गया, पकड़ धकड़, गिरफ्तारियां, हत्ता के घरों में छापे तक मारे गए, चादर चारदीवारी का तकदस भी पमाल किया गया, हर तरह का सलूक किया गया तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ, और ऐसा सलूक कभी किसी दूसरी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ। अदालत ने अब सानहा 9 मई मुकदमात में 1 लाख रुपये के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म देते हुए इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। आपको एक दफ़ा फिर बताती चलूं कि रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत को मंजूर कर लिया है और अदालत ने प्रोसिक्यूशन की मोहलत की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। खसूसी अदालत रावलपिंडी से तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। रावलपिंडी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ साहब ने 9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत जो है उसको मंजूर कर लिया है और 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया है, और साथ जज साहब ने इनको फौरी रहा करने का हुक्म दिया कि अगर दीगर किसी मुकदमे में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी मतलूब नहीं है तो इनको फौरी तौर पर रहा कर दिया जाए। मगर आपको जिस तरह से पता है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पर और भी बहुत से मुकदमात हैं, जिस तरह साइफर केस में सजा हुई, फिर तोशा खाना, इस तरह दीगर और केसेज में भी सजा याफ्ता है, तो रहाई जो है फिलहाल मुमकिन नहीं है। मगर 9 मई के मुकदमात में इनको जमानत मिल चुकी है और अदालत ने प्रोसिक्यूशन की मोहलत की सदा को मुस्तरद करते हुए जमानत मंजूर कर ली है। इससे कबल 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद साहब की भी जमानत को मंजूर कर लिया गया है और इलेक्शन के फौरी बाद ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, और अदालत बार बार ये मौका दे चुकी थी पुलिस को कि वो इस बात पर दलाइल दें कि मुलजमान को क्यों मजीद जो है वो जेल में रखा गया है और ऐसी क्या रिकवरी है जो मुलजमान से करना चाहते हैं। अगर वो शामले तफ्तीश हो चुके हैं, उनके बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो कानून का तकाजा यही है कि अगर मुकदमा साबित करने में ताखीर हो जाए तो आम तौर पर अदालतें मुलजमान की जमानत मंजूर कर लेती हैं और कहती हैं कि कोई भी जो मुलजम होता है वो उस वक्त तक गुनाहगार तसव्वुर नहीं होता जब तक उसका ट्रायल मुकम्मल ना हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल में अदालतें जो है जमानत मंजूर कर लेती हैं, और इसी रूल के तहत इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने हुक्म दिया है कि इनकी 12 मुकदमात जो हैं जो रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए थे, उनमें 12 मुकदमात में जो है वो जमानत मंजूर कर ली गई है। मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज भी लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।